पवन सिंह का गाना आया ओढ़नी का कुएं, 7 घंटे में इस गाने ने 10 लाख व्यूज हासिल किए। लोगों को ये गाना बहुत पसंद आ रहा है और भाई होना भी चाहिए। गाने के बोल बहुत खूबसूरत हैं और गाना बहुत ही सोलफुल वॉइस में है। सभी जानते हैं कि पवन का गाना अगर सैड सॉन्ग और उनकी आवाज़ में आए तो 4 चांद लग जाते हैं। पवन की आवाज़ में सैड सॉन्ग को सुनने के लिए लोग दीवाने हुए रहते हैं। अभी पिछले ही दिनों पवन का जो सैड सॉन्ग आया लोगों को बहुत पसंद आया और अब ये दूसरा ओढ़नी के कोल। लेकिन ये तो हुई अच्छी अच्छी बातें, अब हो जाती है कंट्रोवर्सी की बातें। जी हाँ, कंट्रोवर्सी की बातें इसलिए क्योंकि जब हमारी नज़र इस गाने को सर्च करने पर पहुंची तो कुछ पोस्टर हमें नील कमल सिंह के दिखे, जहां पर हमें सेम इसी टाइटल वाले गाने का पोस्टर नील कमल के साथ। तब हमने सोचा कि क्या ये गाना सचमुच नील कमल का है या फिर इस गाने के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है। जब इस बात के तह तक पहुंची गई तो सच्चाई कुछ और पता चली। पता ये चला कि आज के 4 महीने पहले पवन सिंह के बर्थडे के समथिंग आसपास ही ये गाना रिलीज किया गया था आदि शक्ति के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से, और इस गाने को तब गाया था नील कमल ने। लेकिन ये गाना तब लोगों की नज़र में नहीं आ पाया, लेकिन गाने के बोल इतने अच्छे थे कि कई यूट्यूबर ने इसे उसी वक्त अलग अलग जगह से कई यूट्यूब चैनल वालों ने इस गाने को डाउनलोड करके, जैसा कि अमूमन हर भोजपुरी फिल्म और गानों के साथ होता है, अपने चैनल पर रिलीज़ कर दिया। उसके बाद तकरीबन 3 से 4 दिन बाद जब पवन सिंह ने ये गाना सुना तो इस गाने को सुनते ही उन्होंने ये कहा कि ये गाना उन्हें बहुत पसंद है और इस गाने को उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया है। इस गाने को रिकॉर्ड के साथ साथ उन्होंने तो इस गाने का पिक्चराइजेशन भी कर लिया है, और ये सारी बात पवन सिंह और आदि शक्ति के ओनर के साथ हुई, जो कि आदि शक्ति ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ओनर हैं, उनके साथ। उनके और पवन सिंह के रिश्ते अच्छे रहे और अच्छे अभी तक चलते आ रहे हैं। इस कारण आदि शक्ति फिल्म्स के ओनर ने वो सॉन्ग उसी वक्त वहाँ से प्राइवेट करवा दिया, या यूं कह ले कि डिलीट करवा दिया गया। लेकिन आपको ये बता दें कि जहाँ जहाँ जिस जिस यूट्यूबर ने उस वक्त इस गाने को कॉपी किया था अपने यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ से ये गाना नहीं हटा। और जैसे ही अब ये गाना सर्च किया जा रहा है, लोगों को ये डायरेक्ट सर्च में सीधे ये गाना भी दिख रहा है और नील कमल सिंह का भी गाना दिख रहा है, तो इससे लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जा रहे हैं। वैसे हम आपको बता दें कि इस गाने के जो राइटर हैं बिट्टू, वैसे भी ये गाना कहा जा रहा है पहले अखिलेश कश्यप ने लिखा, लेकिन उन्हें इसका क्रेडिट तक नहीं दिया गया और ये क्रेडिट सारा चला गया इस गाने के राइटर, जिन्होंने ये गाना लिखा ही नहीं, और म्यूज़िक डायरेक्टर आदित्य देव के पास, जिनकी आज कैरियर संवारने में पवन सिंह जुटे हुए हैं। जी हाँ, पवन सिंह और आदित्य देव ने कई प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम करने के लिए एक अलग सा करार किया हुआ है और आजकल आदित्य देव का कैरियर बना रहे हैं पवन सिंह। वैसे ये सब कुछ भोजपुरी में आम बात है, लेकिन ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि गाना किसी और ने लिखा है, क्रेडिट कोई और ले जाए। वैसे पवन सिंह पर चोरी के इल्ज़ाम नहीं लगते, ये बात और है कि पवन सिंह और आदि शक्ति फिल्म के ओनर के बीच जो बात हुई है समझौते वाली बात है। वैसे भी ये गाना पवन सिंह के आवाज़ में बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन बुरा ये नील कमल की आवाज़ में भी नहीं लग रहा है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए मैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलूँ।